सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आरओ वाटर सपोर्ट को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, यू आर वेलकम इन आरओ वाटर सपोर्ट चैनल। देखिए आपके सामने एक मेरे हाथ में प्री फिल्टर है और ये ट्रांसपेरेंट है और इसके अंदर स्पन फिल्टर डाला हुआ है और इसमें स्पन फिल्टर नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर में थ्रेड नहीं है। लेकिन एक और मेरे पास फिल्टर है, प्री फिल्टर पूरा सेट है मेरे पास, तो इसमें थ्रेड का उपाय है तो आप इसमें 9 इंच कैंडल लगा सकते हैं। और ब्रांड में मेरे पास अभी एक एक्वागार्ड का सेट है और इसमें भी कंपनी 9 इंच कैंडल बेचती है। इसी से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि आखिर में एक्वागार्ड 9 इंच कैंडल का क्यों यूज करती है, स्पन फिल्टर का यूज क्यों नहीं करती है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और इसमें काफ़ी वेट भी है। इसका जो प्री फिल्टर है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, अगर इसमें स्पन फिल्टर भी अगर डाल दिया जाए तो हिलेगा डुलेगा नहीं, काफ़ी वेटेड भी है और कंपनी इसमें पूरा क्लैंप वगैरह देती है और इसके अंदर का जो पाइप वगैरह, ये जो एल्बो वगैरह है वो सारा कुछ देती है, वाशर भी देती है, यहाँ तक कि इसमें आपको क्लिप वगैरह भी रखा हुआ है। इसको हम फाड़ेंगे नहीं, लेकिन इसमें और स्क्रू वगैरह भी है और इसका क्या बोलते हैं इसको, गुल्ली गुल्ली वगैरह भी दी है और साथ में पाइप भी दी है। ऐसे बहुत सारे कस्टमर लोग पूछते हैं हमसे कि भाई केंट आरओ सिस्टम अच्छा होता है कि एक्वागार्ड, या ऐसे भी पूछते हैं कि आप सजेस्ट कीजिए कि आरओ सिस्टम कौन सा बेटर है। तो मैं आपको बता दूं, यदि केंट और एक्वागार्ड में कंपेरिजन किया जाए तो आपका एक्वागार्ड का आरओ सिस्टम बेस्ट है। केंट में बहुत तरह की खामियां पाई गई है, अभी कंपनी क्या कर रही है कि 300 नंबर का फ्लोर स्ट्रिक्चर का यूज कर रही है, वो भी सही नहीं है। इन फ्यूचर होगा क्या कि मेम्ब्रेन हाउसिंग या कार्बन फिल्टर भी ब्लास्ट करेगा और प्योर का जो TDS होगा वो जल्दी बढ़ जाएगा, मतलब मेम्ब्रेन का पोर साइज जल्दी बड़ा हो जाएगा और कंपनी 3 साल का प्लस सर्विस दे रही है और फ्री दे रही है, लेकिन स्पेयर जो भी लगेगा उसका पैसा लेगी। तो एक्वागार्ड का आरओ सिस्टम लीजिएगा तो उसमें आपको ये भी फायदा होगा कि मेम्ब्रेन के हिसाब से, सॉरी TDS के हिसाब से कंपनी मेम्ब्रेन यूज कर रही है। जैसे एक मेम्ब्रेन उसका आता है जो 30% TDS देता है, जिसको ग्रीन आरओ बोलते हैं, लो TDS मेम्ब्रेन। ग्रीन आरओ इन्हेंस मॉडल का आरओ सिस्टम है, उसमें कंपनी लगा रखी है। और एक मैक्सिमा का आरओ प्लस UV है, उसमें भी MTDS करके आता है और LTDS करके आता है। तो एक्वागार्ड के पास ऐसी फैसिलिटी है लेकिन केंट के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है। इस आधार पर भी केंट एक्वागार्ड से बेटर नहीं है, इसलिए यदि आपको आरओ सिस्टम लेना हो तो मैं आपको ये प्रीफर करूंगा कि आप एक्वागार्ड का ही आरओ सिस्टम लें, क्योंकि उसमें जो क्वालिटी है सो आज भी केंट कंपनी नहीं देने जा रही है। भले ही वह तीन साल का सर्विस फ्री दे रही है वो अलग बात है, चाहे केंट का टेस्ट का बात करें और एक्वागार्ड का, तो उसमें भी एक्वागार्ड का जो प्योर वाटर का जो पानी आता है उसका टेस्ट बेटर है। तो यदि आपको आरओ सिस्टम लेना हो कोई भी ब्रांड का, तो उसमें सबसे अगर सक्सेसफुल अगर आरओ सिस्टम है तो एक्वागार्ड का है, चाहे एक्वागार्ड का आप कोई भी मॉडल ले लें। थैंक यू, आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यदि हमारे अगर आप नए व्यूअर हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज इतना ही।